तो अगर आपके पास भी Realme का डिवाइस है और आपके डिवाइस में Realme UI 4.0 का अपडेट है और आपको इसमें बग्स वगैरह जो है देखने को मिल रहा है, तो इन बग्स को कैसे आप फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू मैं इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। और कहीं ना कहीं देखिए, सॉफ्टवेयर अपडेट जब आता है तो अगर यहां पे अगर स्टेबल वर्जन नहीं रोल आउट किया जाता है, उससे पहले अगर आपको बीटा वर्जन देखने को मिलता है तो उसमें बग्स वगैरह तो जरूर से देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट कभी कभी जो है यहां पे ऑफिशियल वर्जन जो कि स्टेबल होता है उसमें भी बग्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो कैसे फिक्स करना है, क्या प्रोसीजर करना है और आपको क्या क्या ट्रिक्स यूज करनी है, तो वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिलहाल अगर आपके पास रियलमी का डिवाइस है और आपके डिवाइस में बग रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, लाइक दैट यहाँ पे कोई भी बग्स हो सकता है, नेटवर्क से रिलेटेड हो सकता है, सिस्टम अपडेट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखें तो कभी कभी हम डिवाइस को यूज करते हैं तो डिवाइस जो है लैग होके चलता है, स्लो वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ सेटिंग्स आपको यूज जरूर से कर लेनी है, और इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर इन सेटिंग्स को आप इन मतलब ट्रिक्स को आप यूज करते हैं और उसके बाद भी अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको डायरेक्ट रियलमी टीम से कॉन्टेक्ट कर लेना है, ठीक है। और रियलमी टीम से कॉन्टेक्ट बग के लिए कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने डिवाइस के जो है कम्युनिटी टैब में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी का एक ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपल सर्च कर देना कम्युनिटी को, ठीक है। ये कम्युनिटी मिलता है, इसको सिंपली ओपन कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आपका रियलमी कम्युनिटी ओपन हो जाएगा तो आपको इसमें अपना यहाँ पे लॉगिन कर लेना है अपने अकाउंट से, ठीक है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको ये जो पेंसिल का आइकन मिलता है इस पर सिंपली टैप करना है। अब जैसे इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे हेल्प का एक ऑप्शन मिलता है, आपको हेल्प के ऑप्शन पे जो है सिंपली टैप कर देना है। और यहाँ पे आप जैसे इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको बग फीडबैक का एक यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, इसको पूरी तरीके से फिलअप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजों को मेंशन कर लेना है, जैसे कि जो है कब कब आपको प्रॉब्लम आती है, क्या क्या हो रहा है आपके फोन के डिवाइस के साथ, ठीक है, कितने बार आ रहा है, कितने दिन में आ रहा है, सारी चीज यहाँ पे टिक मार्क कर लेना है, डन कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेना है। और नीचे यहाँ पे आपको फोटोज का ऑप्शन मिल रहा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ऐड करके जो है यहाँ पे फाइल को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और ये रिपोर्ट करेंगे जब आप, तो ये डायरेक्ट जो है रियलमी टीम के पास जो है ये जाने वाला है, और उसके बाद जो है टीम इस पे कोई ना कोई एक्शन जरूर से ले सकती है। तो फिलहाल मैं बात करने वाला हूं, अगर आप ये प्रोसीजर कर ले तो काफी अच्छी बात है। और अदरवाइज आप अपने आप भी अगर कुछ चीज करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको जो है सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे ऐप मिलता है, ऐप में जाने के बाद आपको अपने ऐप मैनेजमेंट में जो सिंपली चले आना है। और ऐप मैनेजमेंट में आने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सो सिस्टम पे टैप करके आपको जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट को सिंपली सर्च कर देना है, और इसको खाली यहाँ पे आपको इसी चीज को खाली यहाँ पे आपको फोर से शॉप करना है, ठीक है, ताकि जो है आपका जो भी प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आ रही है वो प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में देखने को ना मिले, और जो भी कुछ बग वगैरह दिक्कत है वो दिक्कत ना मिले, ठीक है। इतना करने के बाद आप चाहें तो सेटिंग को भी यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। सेटिंग को यहाँ पे सिंपली टैप करके फोर्स स्टॉप इसको भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे आप फोर्स स्टॉप करेंगे तो ये बाहर की साइड चलाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम होगी ना, इसके बाद इतना करने के बाद आपको अपने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और अगर फिर भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, तो उसके बाद आपको करना क्या होगा कि आपको सिंपल जो है रियलमी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना है, उनसे जो है डायरेक्ट बग रिपोर्ट का फॉर्म फिलअप करके अपनी प्रॉब्लम उनसे जो है शेयर करनी है, और कहीं ना कहीं वहां से आपको कोई ना कोई जरूर हेल्प मिल सकती है। क्योंकि कई बार होता है ना कि बग वगैरह आता है तो हमारा डिवाइस जो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे ये कुछ मैंने सेटिंग्स बताए जिनको आप जरूर से यूज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम का आपको इस जो है वीडियो के थ्रू आपको मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई कि किस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, होपली इस वीडियो के थ्रू आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।